हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो फाइनली आज मैं अर्ली मॉर्निंग आ गया हूँ अपने घर की छत पे। और सबसे पहले मैं आपको ना प्लांट्स दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी कुछ समय पहले ही लगाए थे, और बारिश के पानी की वजह से आप देखो ये कितने ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए हैं। दिस इज स्वीट नीम, यानी कि जिसे मीठा नीम बोलते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं। और ये है हमारी प्यारी सी तुलसी जी, ये भी अच्छे अब बड़े हो जाएंगे काफ़ी दिनों में। सो आज मैंने सोचा है कि बचपन में हम ने कभी ना कभी उठक बैठक ज़रूर लगाई होगी स्कूल टाइम पे, तो आज अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज के अंदर हम उठक बैठक लगाने वाले हैं, सिटअप्स लगाने वाले हैं, और देखते हैं हम वन टाइम पे कितनी बिना रुके कितनी सिटअप्स लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी तक स्कूल टाइम पे बहुत कमी से लगाई है, जब पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती थी तब लगाई है, इंडिविजुअल नहीं लगाई है क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में, सारा काम मेरा कंप्लीट होता था इस वजह से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू शुरू में हम कान पकड़ के नहीं लगाएंगे क्योंकि कान पकड़ के तो स्कूल में लगा देते हैं, पनिशमेंट नहीं है, ये एक्सरसाइज है, तो हम इसको एक्सरसाइज के हिसाब से करने वाले हैं। और लिटरली अभी जो है ना, शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या मस्त काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सिटअप्स जो है 10 तक जाएगी ना, तब आप चेहरे के एक्सप्रेशन देखना, चेहरे के एक्सप्रेशन मतलब ऐसे हो जाएंगे जैसे 4 महीनों से मुँह नहीं धोया हो, ऐसी हालत हो जाएगी और इतनी बुरी शक्ल हो जाएगी क्योंकि पैर दुखने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्रेशन चेंजेस नज़र आ रहे होंगे क्योंकि 10 पार काउंटिंग हो चुकी है। एंड जो है अब फीलिंग आ रही है कि अब कुछ वर्कआउट किया जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है, और अब हाथ भी ऐसे नहीं रखा जा रहा, तो मैं ट्राई करूँगा हाथ भी अब कान पे रख लिए जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहती है कान पे रखने से, वरना ही वो बैलेंस बिगड़ जाता है और आप पट करके गिर जाओ। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम मैं ट्राई कर रहा हूँ 30 तो लग ही जाए, लेकिन हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हम जो है 30 पे फाइनली आके रुक चुके हैं। 30 भी फर्स्ट टाइम में सालों बाद लगाना बहुत अच्छा है, सांस भी भरा गई है और थोड़े पैर भी बोल गए हैं, सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा पहले ही दिन 30 सिटअप्स लगा के। अब मैं आगे सोच रहा हूँ कि क्यों ना पुशअप्स, सिटअप्स और बाकी जो भी नॉर्मल अपने होम वर्कआउट्स होते हैं उसकी भी मैं वीडियो क्लिप्स वगैरह ऐसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे भी करने में वो कॉन्फिडेंस मिलता जाए और आप लोग भी देखें तो आपको भी थोड़ा सा 50-100 ग्राम मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। एंड गाइज, ये क्लिप कुछ भी 1 घंटे बाद की रिकॉर्डिंग है जब मैंने अनुलोम विलोम और नॉर्मल अपनी जो एक्सरसाइज होती है वो की, और अब लिटरली जो 30 सिटअप्स किए थे उसके बाद जो पैर का दर्द है अब होना चालू हो गया है। लिटरली जो थाइज होती है उसमें रियल पेन चालू हो गया है, और मलाइका अरोड़ा जैसी वॉक हो गई है मेरी, अगर चलने में नहीं आ रहा है, इतना भयंकर दुख रहा है।